वार्ड संख्या 67 से नवनिर्वाचित पार्षद प्रियंका अग्रवाल के प्रतिनिधि श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा नगर निगम की टीम के सहयोग से क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान यमुना ब्रिज के आरपीएफ थाने से लेकर चीनी का रोजा नगर निगम वार्ड कार्यालय तक चलाया गया। बुधवार को यमुना पार के वार्ड संख्या 67 पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर अग्रवाल अपने पूरे वार्ड में विशेष सफाई अभियान नगर निगम के सहयोग से चलाया। एतमादुल्ला स्मारक पर आने वाले पर्यटकों को भी विशेष ध्यान में रखते हुए इस अभियान को अमलीजामा पहनाया गया। दूर दराज से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की नजर में यमुना पार क्षेत्र की छवि को और उज्ज्वल करने के लिए नव निर्वाचित पार्षद प्रियंका अग्रवाल के प्रतिनिधि द्वारा नगर निगम के सफाई निरीक्षक अभय सिंह के नेतृत्व में इस अभियान में अमली जामा पहनाया। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद देकर प्रियंका अग्रवाल को सदन तक पहुंचाया है, जो भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखने के लिए हमेशा क्षेत्र में इसी तरह के अभियान और विकास कार्य होते रहेंगे। पेयजल समस्या को लेकर भी पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर अग्रवाल जानकारी दी। वहीं छत्ता जोन के जोनल इंचार्ज विजय कुमार सिंह ने चल रहे इस अभियान के विषय में जानकारी साझा की। ये देखिए, हमने आज ये विशेष सफाई अभियान, ये अम्बेडकर ब्रिज है जहाँ आरपीएफ थाना है, वहाँ से लेकर रामबाग तक विशेष सफाई अभियान हम लोगों ने आज चलाया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी भी साथ रहे हैं। एसएफआई अभय यादव के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे, नालों की तली झाड़ सफाई हो जाए, सड़कें साफ सुथरी दिखें। G20 होने वाला है, आगरा की छवि जो विश्व पटल पर बनी हुई है, एक साफ सुथरी छवि आगरा की विश्व पटल पर दिखाई दे। हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में ये विशेष सफाई अभियान और सफाई इसी तरह से चलाया। जो प्राइवेट इस समय सफाई कर्मचारी जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनको कचरा डालने को लेकर बहुत समस्याएं आ रही हैं, कभी कहीं फेंका जाता है, कभी कहीं फेंका जाता, तो इसके लिए आपने किस तरीके की कोई योजना बनाई है? देखिए, हम लोगों ने डोर टू डोर के लिए चमड़े की कतरन के लिए विशेष गाड़ियां चलाई हैं, तथा इसी प्रकार पेठे की कतरन लेने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो प्राइवेट सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, वो जगह जगह पर हमारी चलने वाली गाड़ियों को समय से जो गाड़ियाँ पहुँचती हैं उनको अपना अपना कूड़ा दे सकते हैं, जिससे वो शहर को स्वच्छ और साफ रखने में हमारी मदद। देखिए, जनता ने जिस उद्देश्य से मेरी पत्नी को पार्षद चुना था, तो जनता को कहीं ऐसा ना लगे कि बोले हमारे साथ छलावा हुआ। 14 तारीख से मैं निरंतर अपने कार्य में लगा हूँ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के। आज हमने ये हमारा टूरिस्ट पैलेस है, तो जमुना ब्रिज से लेकर के रामबाग तक सफाई अभियान मेरे साथ में मेरे सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, सफाई कर्मचारी सभी लोग मेरे साथ में हैं। रामबाग भी आप कार्य? नहीं, रामबाग से थोड़ा सा पहले चीनी के रोजे वाले जो मोड़ है वहाँ तक मेरा वार्ड की सीमा है। क्षेत्रीय जनता ने आशीर्वाद देके आपको सदन तक पहुँचाया, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आप? प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरी जनता की जो नगर निगम से संबंधित है, कोई भी शिकायत उनको ना रहे, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे उनका खरंजा हो, कोई भी कार्य हो, उनको किसी चीज की शिकायत ना रहे, ये मेरी प्राथमिकता है। यमुना पार क्षेत्र में अधिकतर पानी की जल समस्या बहुत रहती है, उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने 570 करोड़ रुपए पास कराए हैं, डीपीआर उसका तैयार हो चुका है, और लगभग 1.5 साल बाद इतना पानी मिलेगा जितना मतलब परेशान रही है जनता यहाँ की, उतना ही ज्यादा खुशहाल रहेगी पानी के प्रति। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम की ओर से सफाई नायक बसंत पाथरे धर्मराज के द्वारा लगभग 35 सफाई मित्रों को भी लगाया। पार्षद प्रतिनिधि द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान की क्षेत्रीय लोगों ने जमकर सराहना भी की। पात्र दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।